पहले पाकिस्तान से अपने पति को छोड़ चार बच्चे लेकर भारत आई सीमा हैदर, फिर भारत में अपने पति और दो बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान गई अंजू, और अब बांग्लादेश से भी एक बच्चे को साथ लिए सोनिया अख्तर नाम की एक महिला भारत आ गई है। अचानक ऐसा क्या हो गया जो इस तरह की अटपटी प्रेम कहानियां सामने आ रही हैं? ऐसी क्या हवा चली कि इश्क में अंधी होकर महिलाएं बेधड़क सरहद की सीमाएं लांघने लगी? ये सब हो क्या रहा है, इसका जवाब आखिर कौन दे सकता है? अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। अपनी गोद में एक साल का मासूम बच्चा लिए ये महिला बांग्लादेश से नोएडा अपने पति को ढूंढते हुए आई है। बांग्लादेश से आई सोनिया अख्तर का आरोप है कि नोएडा के एक युवक ने 3 साल पहले उससे शादी की थी और बाद में वो उसे कहीं छोड़कर भारत भाग आया। अभी पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से मची सनसनी शांत भी नहीं हुई थी कि अब अचानक एक और विदेशी महिला के नोएडा आ जाने से लोगों को चर्चा करने के लिए एक नया टॉपिक मिल गया है। दोनों ही महिलाएं अपने प्यार को ढूंढते हुए भारत के नोएडा आई हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सीमा हैदर 4 बच्चे लेकर अपने कथित पति सचिन मीणा के पास पहुंची है, तो वहीं सोनिया अख्तर अपने 1 साल के मासूम के साथ अपने पति की तलाश में नोएडा पहुंची है। बांग्लादेश से आई सोनिया अख्तर का कहना है कि नोएडा का रहने वाला गौरव कांत तिवारी 3 साल पहले बांग्लादेश के ढाका में 4 जनवरी 2017 से 24 दिसंबर 2021 तक कल्टी मैक्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में काम करता था। इसी दौरान उसने सोनिया अख्तर से बांग्लादेश में 14 फरवरी 2021 को निकाह किया था, जिससे इन दोनों को एक बच्चा भी हुआ। लेकिन निकाह के 1 साल के अंदर ही सौरव कांत उसे बांग्लादेश में छोड़कर भारत भाग आया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उससे शादी करने वाला सौरव तिवारी शादीशुदा है और अब वो न तो सोनिया के साथ रहना चाहता है और न ही उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता है। हालांकि बांग्लादेशी महिला सोनिया अख्तर अब नोएडा में ही अपने पति और बच्चे के साथ रहना चाहती है, लेकिन पति के इनकार के बाद अब उसने कानून का दरवाजा खटखटाया है। सोनिया अख्तर अब नोएडा पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रही है। आप नहीं मान रहे, घर लेके नहीं जा रही हूँ मैं बांग्लादेश। शादी का है? हाँ जी। है शादी? मेरा नाम सोनिया अख्तर। कितने दिन पहले शादी हुई थी? 3 साल होने वाला है। अभी क्या चाहती हैं आप? अभी क्या चाहती हैं? मैं पति के साथ रहना चाहती हूँ, मेरा बच्चा शादी कर चुका। पति का क्या नाम है? सौरव कांत तिवारी। सोनिया अख्तर ने सबूत के तौर पर नोएडा पुलिस को अपने और अपने बच्चे के पासपोर्ट, वीजा समेत नागरिक कार्ड उपलब्ध कराए हैं। वहीं महिला के आरोपों के बाद अब इस पूरे मामले की जांच एसीपी महिला सुरक्षा की ओर से की जा रही है। साथ ही नोएडा पुलिस के एसीपी सेंट्रल राजीव दीक्षित ने मामले की गहनता से जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। ढाका बांग्लादेश की मूल निवासी एक महिला ने कलेक्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर के महिला थाने में सूचना दिया कि अप्रैल 2021 में थाना सूरजपुर निवासी सौरभ कांत तिवारी नामक एक व्यक्ति ने बांग्लादेश में ही उसके साथ विवाह किया था और उसको छोड़कर वर्तमान में भारत आ गया है। उसने ये भी बताया कि सौरभ पूर्व से शादीशुदा था। बांग्लादेश में जनवरी 2017 से दिसंबर 2021 तक एक प्राइवेट एनर्जी कंपनी में वो कार्यरत था। महिला द्वारा अपने व 1 वर्षीय बेटे का पासपोर्ट, वीजा व सिटीजनशिप कार्ड उपलब्ध कराया गया है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हुआ है कि मूलतः बांग्लादेश निवासी उक्त महिला के साथ स्थानीय निवासी सौरभ कांत तिवारी द्वारा बांग्लादेश में ही शादी की गई थी। फिर भी संपूर्ण प्रकरण की तह तक जाने के लिए जांच एसीपी महिला सुरक्षा को सौंपी गई है। जांच से निकले निष्कर्षों के आधार पर यथोचित वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बांग्लादेश टू नोएडा शुरू हुई इस 3 साल पुरानी लव स्टोरी में आगे क्या नया मोड़ आता है। क्या बांग्लादेश से आई महिला के आरोप सच्चे हैं या झूठे? अगर सोनिया अख्तर के आरोप सच्चे हैं तो पुलिस सौरव कांत तिवारी के ऊपर क्या एक्शन लेती है? साथ ही अगर पुलिस के दबाव के बाद अगर सौरव कांत तिवारी सोनिया के साथ फिर से अपना घर बसाना चाहता है तो उसकी भारत में मौजूद पत्नी का क्या भविष्य होगा? इन तमाम सवालों के जवाब की आपको भी तलाश होगी और हमें भी। बहरहाल इस कहानी में आगे और क्या दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं ये हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।